इसका मतलब है आपके कमेंट्स ऊपर जाके ऊपर जाके। तो अब ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि अंदर की कंस्ट्रक्शन कितनी हुई है। और सिस्टर्स ने भी यही कहा था। तो अब ये स्टेज जो है वो जिस तरह की एक यहाँ पे जाहिर है, यहाँ पर अल्टर है इसके। दुआ की भी बनाओ भाई, दुआ को पता चल गया जी। कैटो चली गई, वो कैटो का बेबी भी है। गॉड ब्लेस यू। इब्तदा है रब्बे अजीम के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद बाहू भी जानता है। आज इतवार का दिन है और आज का व्लॉग जो है वो उस अंदाज में नहीं स्टार्ट हुआ। आज की सुस्ती सी थी जिसकी वजह से नहीं व्लॉग उस तरह स्टार्ट किया। तो आप देख सकते हैं कि हमारे साथ इस टाइम सिस्टर जी, फादर जी मौजूद हैं। और सिस्टर अलका नाम बताया था तो वो मुझे सिस्टर अलका से याद हुआ। तो सिस्टर नाइला है हमारे साथ और ये हसबे मामूल चर्च का विज़िट करने आए हैं। और जो व्लॉग मेरे रेगुलर देखते हैं उन्हें तो इलम है। और फादर जी, कंस्ट्रक्शन के हवाले से अभी आपके क्या व्यूज़ हैं, क्या कमेंट्स हैं? अभी ऊपर जाएंगे, देखेंगे। नीचे वाला हॉल तो अभी काम कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि ऊपर वाला तकरीबन काम कम्प्लीट है। अभी जाकर देखते हैं कितना तो कम्प्लीट है। इसका मतलब है आपके कमेंट्स ऊपर जाके तो अब ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि अंदर की कंस्ट्रक्शन कितनी हुई है। वैस भाई कल बता रहे थे मुझे, मैंने खुद भी नहीं देखा। और चलते हैं ऊपर। आ जाए सिस्टर जी। तो ये जब फादर जी आते हैं और उनका विज़िट होता है तो देखें कम्युनिटी के लोग कितने शौक से जाते हैं। ये खुदा की ब्लेसिंग जो हमें मिली है, ये चर्च, इसकी रोमन कैथोलिक कलीसिया जो भिंबर आज़ाद कश्मीर की है उसको अशद ज़रूरत थी। तो आए चलते हैं, अब देखते हैं अंदर की सूरत हाल। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लैंडस्लाइडिंग हुई है लास्ट टाइम, और यहाँ पर ये जगह, ये स्पेस खाली थी तो यहीं पे ये रुक गई है, आगे नहीं गई। और इसी तरह से यहाँ पर भी ये वक्तन फक्तन ये चलता रहता है सिलसिला। इसीलिए फादर जी और बिशप साहब और बाकी जो हमारा पैरिश था उनको इस चीज़ का बड़ी शिद्दत से एहसास था कि यहाँ पे कहीं पे इशू ना हो, कंस्ट्रक्शन में कोई कमी बेशी ना रह जाए। तो ये लास्ट संडे आपने देखा था कि फादर जी ने इस स्टेज के बारे में बताया था कि इसको मज़ीद बढ़ाना है हमने, और सिस्टर्स ने भी यही कहा था। तो अब ये स्टेज जो है वो जिस तरह की एक यहाँ पे जाहिर है, यहाँ पर अल्टर है, इसके पीछे चेयर्स लगनी है फादर जी या जो भी हमारे काहिन या पासबान आएंगे। तो स्टेज अच्छा हो गया है और यहाँ से चूँकि बाकी का सामान उठा लिया गया है तो किसी हद तक इसकी जो साइज़ है इस हाल का वो नुमाया हो रहा है। तो अवैस साहब हमारे जो ठेकेदार साहब हैं, हाँ जी, कैसा लगा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस? तो कुछ बातें व्लॉग में नहीं भी की जा सकती। तो रात को बारिश हुई थी यहाँ पे, काफ़ी बारिशें हो चुकी हैं, तो बारिश के हवाले से यहाँ पे आपको कोई इनसिक्योरिटी तो नहीं फील होती? बिल्डिंग को कोई इशू हो, पानी का इशू होता है? शीशे नहीं लगे तो यहाँ से ये नीचे से पानी वगैरह नहीं आता इधर से? ये ठीक है। तो ये सीलिंग वगैरह ऊपर हुई है, खिड़कियों में भी शीशे वगैरह लगने हैं। यहाँ से इन खिड़कियों के आगे पर्दा और शीशे, क्योंकि इस तरह फैमिलीज़ भी हैं और इस तरह वैसे भी हवा तीन को बैठाना है ताकि फैमिलीज़ की जो कुछ प्राइवेसी का इशू उनको है। तो वैसे खुदा का घर भी है, होना भी नहीं चाहिए। तो
कोशिश होगी कि यहाँ पे अच्छे पर्दे और फिर शीशे और इस साइड पे हवा तीन बैठें। और वैसे भी हफ्ते में एक आध दफ़ा यहाँ पे इबादत के लिए लोगों ने आना है। तो ये फैमिलीज गुफ्तगू कर रही है। नहीं जी, दुआ जो है वो बड़े शौक से ऊपर जा रही है। नहीं जी, बिम्बर सिटी का यहाँ से व्यू देखते हैं। ये नहीं जी, तो ये फादर जी को तारक साहब बता रहे हैं क्रॉस के हवाले से। तो ये बिम्बर सिटी है और वो देखें हमारे पुखा जान के घर की कंस्ट्रक्शन, लेंटर मुकम्मल हो चुका है। अंधेरा हो चुका है और शायद वीडियो इतनी अच्छी ना आज बने, इतना अंधेरा भी नहीं है। फादर जी कह रहे हैं तस्वीरें बना ली जाएं। इसके बाद शहरून के घर पे चाय वगैरह थी फादर जी ने और बाकी सिस्टर्स और मैं था साथ में, तो दुआ भी साथ में थी और शहरून की बेटी के साथ दुआ की भी बना हो गई पिक्चर और सिस्टर जी ने अच्छा वक्त। दुआ को पता चल गया जी पिक्चर बन रही है। मैंने वीडियो बनाई है, व्लॉग में यूज़ करूँगा, कंटेंट वैसे ही आजकल चाहिए होता है। क्या किया शकीब ने? क्या मामला आते हैं? ओ टेडी बियर, तो आप, वो तो आपका क्या क्या किधर रखना है बेबी? दुआ हमारे साथ जा रही है। चलो दुआ, आ जाओ फादर जी को छोड़ के आए, आ जाओ फादर जी उठाने लगे हैं ना बेबी के पास, वो जा रहे हैं। चलो चलें जी बेबी के पास जाने, ठहर के पहले फादर जी को छोड़ के आते हैं फिर बेबी को लेके आते हैं। चलें जी, खीर फादर जी ने माजरत कर ली है। चलें जी, गोभी भी है और उधर वो भी है, चिकन भी है। वो दो कैटो, वो कैटो चली गई, वो कैटो का बेबी भी है, वो भाग गई है, भाग गई है। किधर गए हैं? भाग गए हैं। बताओ अब रानी परी क्या होता है? एक परी रानी होती है ना, मैं ना पढ़ाई पे ऊपर पढ़ाई का ऊपर पापा।
अपना नाम बताओ भाई। तो डियर फ्रेंड्स, आज भी हसबे मामूल फादर जी, और खुशकिस्मत ही है कि आज फादर जी भी थे साथ। तो दुआ कह रही है फादर जी को कि सीधे घर जाए। सीधे घर जाओ, ठीक है। तो मैं बता रहा था आपको कि हसबे मामूल फादर जी वापसी की तरफ है, और सिस्टर जी भी आई हुई थी, और सिस्टर नाइला जो सेंट। खुदा हाफिज फादर जी, बाय बाय कर दो। God bless you. तो अब सर्दियों का मौसम चूंकि आ चुका है, तो इसलिए टाइम जो है वो शायद टाइम उतना ही होता है, अंधेरा ज़्यादा हो जाता है आजकल। तो इसी के साथ आज का मेरा ख्याल कुछ शॉर्ट व्लॉग था हमारा, ये व्लॉग अपने अहतमाम को पहुंचा, और पिछले व्लॉग की तरह मुझे उम्मीद है कि इस दफ़ा भी आपका अच्छा रिस्पांस आएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।